रास्ता कहाँ रोका भैया? शैतान सिंह तेरे जैसे भिखारी का नहीं, ऐसी मोटी आसामी का रास्ता रोकता है और उसका वजन हल्का करता है। इस शहर में किसी माँ ने ऐसा शैतान पैदा नहीं किया जो बिल्लू की सवारी को हाथ भी लगा सके। इतिहास के बादशाहों ने तो खून खराबे की और लूटमार की, और तुमने आज खून खराबा और लूटमार को रोका। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हम दोनों की जान बचाई। तुम इंसानियत की नजर में बिल्लू रिक्शा वाले नहीं, बिल्लू बादशाह। शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमने सुना कि कुछ समाज विरोधियों ने, हमारे दुश्मनों ने हमारे गरीब भाइयों के घरों को जलाकर खाक कर डाला, तो हम फौरन मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और कहा, चीफ मिनिस्टर साहेब, यह आपके शासन में क्या गुंडागर्दी चल रही है? हाँ, इस शहर के अमीरों ने गरीबों को घर से बेघर कर दिया है। तो भाइयों, आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुख्यमंत्री जी बच्चे के समान फूट फूट के रोने लगे और फिर आओ देखाओ नताओ, और अपने सेक्रेटरी को आवाज दिया कि हे सेक्रेटरी आओ। जब सेक्रेटरी आया तो कहा कि सब जमीन गरीब लोग के नाम पे लिख दो, और आप लोगों के नाम पे जमीन लिख दिया। तालियां तो बजाओ इस बात पे। रिक्शा रोको भाई, रोको। थोड़ी सी देर हो गई पंडित जी। आवा आवा। पाए लगी पंडित जी? अरे अभी कहाँ लगी, पहले लागो तो सही। लाइए भैया। अरे नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भैया। अरे छोड़ दे। अरे ओ अरे ओ बेटा, तू आ गया, पसीने पसीने हो गया है। मैं पानी लेकर आती हूँ। तू तो कल आने वाला था ना? हाँ माँ, वो पैसों का इंतजाम करना था ना, इसलिए देरी हो गई। ये लो 1100 रुपए, एक गाड़ी अनाज बेचा है। फिर क्यों अनाज बेचा तूने? देखो अम्मा, हम लोग भले ही एक रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना माँ? ये लो भैया। ज्योति, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी भैया। भैया, आप गांव से कब आए? अरे अभी अभी आ रहा हूँ भाई। पहले ये बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? फर्स्ट क्लास। देख, हम भी यही चाहते हैं कि तू खूब पढ़ लिख के जल्द से जल्द बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए। हाँ भैया, जरूर बनूंगा, लेकिन पहले मुझे MA पास करना है, उसके बाद IAS के कॉम्पिटिशन में बैठूंगा, फिर कलेक्टर बनूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद भाई तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। अपनी पिंकी रानी के लिए एक रंगीन TV और चमचमाती मोटर गाड़ी लानी होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया, मैं घर के लिए सब चीजें ले आऊंगा। भैया, जब तक ये भैया सब चीजें लाएंगे, तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। तू जा, जल्दी से मुंह हाथ धो के तैयार हो जा। मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? जिसने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है, क्या उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते? हमें तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आशा? जो काम तुम्हें करना चाहिए बिल्लू, वो काम मैं क्यों करूं? अब तुम ही बताओ आशा, ऐसे हालात में हम अपने बारे में क्या सोचें? बैठो। हाँ आशा, हमें रवि को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है, ज्योति और पिंकी की शादी करनी है। इसमें न मालूम कितना समय लग जाए, हो सकता है पूरा जीवन ही लग जाए। तुम कब तक इंतजार करोगे हमारा?
आखिरी सांस तक सिर्फ एक बार अपनी जुबान से हाँ कह दो। देखो मेरे सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। आजकल मेरे डैडी शादी पे कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हैं और साथ में मम्मी भी। अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और जगह तय कर दी तो एक साथ तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, उस लड़की की, तुम्हारी और मेरी भी। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। देखो ज्योति, ये सोचने का नहीं फैसला करने का वक्त है। ठीक है विजय, तुम हमारे घर आकर बिलू भैया से बात कर लो। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा बेटा विजय, जिसे अपने बहन के प्रेम जाल से आजाद करने की क्या कीमत चाहते हो, बोलो। मैं आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ सेठ जी। तो कौन मना करता है? सौदा पटाओ और फौरन रिश्ता जोड़ लो हमसे। लगता है मुलाकात बदकिस्मती से एक बेटे के बाप से नहीं, एक बनिए से हुई है। बनिए से मुलाकात हमेशा फायदेमंद होती है मिस्टर बिल्डो रिक्शे वाले। बोलो कितना चाहिए, लाख, दो लाख, पांच लाख, बोलो। जो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन गिरे हुए भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा इन कागज के चंद रंगीन टुकड़ों के साथ कर। आप कुछ भी कहो, उस भले आदमी की बेइज्जती करके आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा या बुराई के बारे में मुझे मत समझाओ विजय की माँ। अजय आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही बातें कर रहा हूँ। सेठ रोशनलाल एक कठपुंजी रिक्शे वाले की बहन को किसी भी कीमत पर इस घर में कदम नहीं रखने देगा। डैडी, गलत कहते हैं आप और गलत सोचते भी हैं। क्या कहा? ठीक कहा मैंने। कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाने वाला इंसान कठपुंजिया होता है और उसकी बहन आपके घर की बहू नहीं बन सकती? खामोश हो जाओ विजय, खामोश हो जाओ। मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ और तुम्हारे भले बुरे का फैसला मैं खुद करूँगा और तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे कि हमारी शान में बट्टा लग जाए। सारा शहर मुझे खानदानी अमीर के नाम से पुकारता है। इंसान अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपनी जुबान और अपने दिल से अमीर होता है। विजय, अगर आप अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको दौलत तो जरूरत से ज्यादा दी है मगर दिल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर गया। विजय मेरी बात तो सुन बेटे। क्या सुनूं मम्मी, क्या सुनूं? जिस घर में मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान ही नहीं, जहां पर मुझे अपने दिल का दर्द जबान पे लाने की आजादी नहीं, वहां पर रहकर भी क्या करूंगा। हाँ, मगर अब मैं डैडी को सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगा, भले इसमें मेरी जान चली जाए। लेकिन मेरी एक बात आप मत भूलिएगा कि प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है। लड़की राजी, बीच में दीवार पिताजी, बीच में दीवार पिताजी। अरे जिसको हमने दिल ये दिया है, दिल का वही हकदार पिताजी, दिल का वही हकदार पिताजी। अरे लड़का राजी, लड़की राजी, लड़का राजी, लड़की राजी, बीच में दीवार है, जिसको हमने दिल ये दिया है, दिल का वही हकदार है। प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह मजनू जिंदाबाद, हीर पुराना जिंदाबाद, ढोला मारो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो गया, क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा होश में आओ। विजय मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा तुम दोनों इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इस दौलत ने मुझे अंधा बना दिया था। अगर मैं विजय की बात मान गया होता तो आज मेरा इस तरह सर्वनाश नहीं होता। अंकल, अंकल हा? तो मैं देखूं, आंटी में अभी भी थोड़ी सी जान है, जान है? आप जल्दी से हाँ कर दीजिए तो बात बन जाएगी। हाँ देखिए, हाँ मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे सब कुछ मंजूर है। डैडी थैंक यू। क्या बात है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो।
किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा है? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं, आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार। मैं हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती हूँ। किस उल्लू के पट्टे के लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? ओए मार डाला जाने मन, कहो तो जिस्म एक जान हो जाए। ओह डायमंड रिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद है? ओहो तो पहले क्यों नहीं कहा, ये डायमंड रिंग मैं उसी वक्त तुम्हें दे देता। आ आ आ, अब खुश? देखो रवि, इस तिल से तुम और तेल नहीं निकाल सकता। अरे बहुत हो गया ये ड्रामा तुम दोनों का। अरे बड़ी साई, जब तुम दोनों नवा नवा प्यार किया तो रात को 8 बजे आया, मैं बोला भाई टिकम दास जाने दो। दूसरा टाइम तुम लोग रात को 10 बजे आया, मैं बोला भाई टिकम दास आने दो। अरे जब तुम लोगों का प्यार और जबरदस्त हुआ तो रात को साला 12 बजे आया। अरे 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 अरे, मेरा तो कान खड़ा हो गया। और शादी के पहले आज रात को तुम लोग 2 बजे आया। अरे भाई, अगर किधर गलती से मैं तुम दोनों का शादी बना दिया तो तुम लोग तो साला घर के अंदर आएगा ही नहीं। नहीं नहीं अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, बंडल मत मार मेरे को। अरे तुम दोनों सभी कुछ कर सकता है अभी। इसीलिए रवि बेटा, मेरे को साफ साफ बताओ कि मेरा डॉक्टर के साथ मैं शादी कब बनाएगा तुम खल्लास, बोलो। वो क्या है अंकल की, अभी तक मेरी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई है। तो प्यार क्यों चालू रखता है? अगर शादी नहीं तो प्यार का नाटक भी नहीं। आप थोड़ा मैनेजिंग कमेटी को बोल दीजिए, इनके प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे पल जाएंगे, आपको जिंदगी भर दुआ देंगे पंडित जी। तो समझ लो देवी, कल ब्रह्म मुहूर्त पे पैसा अवश्य तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये क्या पंडित जी, मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझ पर दया कीजिए पंडित जी। कोई बात नहीं, ठन ठन दीवारी एक बार जिसे छू लेते हैं वो सदा के लिए सुहागन हो जाती है। जनता के सच्चे सेवक और दरिद्र नारायण पार्टी के चेयरमैन ठन ठन तिवारी, तो ये है तुम्हारा असली रूप। मगर जनता की नजर में हम उनके नेता भी तो हैं। बहुत बड़े झूठ, खद्दर के कपड़े पहन लेने से किसी गद्दार के सीने पर वतन परस्ती का ठप्पा नहीं लग जाता ठन ठन। अब मैं तुझे सारी जनता के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा, अरे नहीं भैया प्रभु दयाल, तुमको ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कहा है कि इस पापी संसार में तुम जैसे साधु संत के लिए कोनो जगह नहीं है, इसीलिए आज हम फैसला किए हैं कि आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं। नहीं। हाँ तो जरा इनकी जिंदगी के लिफाफे पर ऊपर जाने का टिकट तो लगाए देना। जैसी आज्ञा भैया। नहीं ठंडन नहीं। अरे इसकी लाश को ठिकाने लगा तो अभी से बदबू आ रही है। हेलो, हम ठन ठन तिवारी बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो भाई? जरा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे। अरे क्या बात करते हो, हमसे ज्यादा जल्दी? हाँ, क्योंकि आज मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हुई है और 2 बाकी हैं। जिस दिन मैं अपनी इन 2 जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उसी दिन मैं तेरे गंदे शरीर से तेरी पापी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। ए, अरे कौन हो तुम, क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें हमारी कसम, इस जाम को अपने इन हसीन होठों से लगा के सिर्फ एक बार जूठा कर दो प्लीज। कहा ना, मैं ये नहीं पीऊंगी। तुम तो मुझे यहाँ डिनर के लिए लाए हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर डिनर से पहले थोड़ी सी हो जाए ताकि भूख और बढ़ जाए, तभी तो डिनर खाने का असली मजा आएगा। दोस्ती का गलत फायदा मत उठाओ और मेरे साथ शराफत से पेश आओ। हुस्न की इबादत करना ही तो शराफत कहलाती है जाने मुन। मुन्ना, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। सामान बहुत ज्यादा है भाई, कमरे तक पहुंचाने में थोड़ी मदद कर देंगे? बाबू साहब क्या बात कर रहे हो आप हमारे शहर में मेहमान हो, थोड़ी क्या पूरी मदद कर देते हैं। चलो आप। पिंकी,
मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालने से पहले एक बार भी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा कमीने हरामजादे। मौत तो तेरी आई है साले, चल फट। जिस हाथ से तूने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की वो हाथ मैंने इसलिए तोड़ा है कि आइंदा तू कभी ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। शट अप! जब भी तुमने मेरा छोकरी को पटाया, उसके साथ गुलछड़े उड़ाए, वरी तभी तुमने जाके अपने भैया को पूछा था क्या जो आज जाके पूछेगा? देखो रवि, मैंने अपना छोकरी को इसलिए जन्म नहीं दिया कि वो हजार दो हजार की नौकरी करने वाले के साथ शादी बनावे और उस अंधेरी गली के टूटे फूटे मकान के अंदर हाय हाय करते हुए दम तोड़ देवे, वरी जिधर तुम मरने की सोचता है। रवि, डैडी की बातों पर थोड़ा सा गौर करो। हाँ। फिर तुम्हें करोड़ों का मालिक बनाना चाहते हैं? अरे बेटा, अरे मैं तो इसको जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ, मगर ये बेअक्कल डबल जीरो बनने को सोचता है। देखो रवि, आज तुमको फैसला करना ही होगा। एक तरफ तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी भुखमरी, तुम्हारा वो फटीचे रिक्शे वाला भाई और तुम्हारा वो मोहल्ला, अरे जिधर इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर साला गुमनामी के अंधेरे में मर जाता है, यानी तुम्हारा सपना। दूसरी तरफ मैं, मेरा इज्जत और ये मेरा बेटी, मेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी, यानी कि 100% सच्चाई। ये कहता है मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा। अरे का ये बात सच है? हाँ भैया, मुझे अब कलेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और 10,000 रुपए तनख्वाह भी मिलेगी। अब आप ही बताइए भैया, ये 2,500-3,000 रुपए कमाने वाले कलेक्टर की वैल्यू ही क्या है, उसकी इज्जत ही क्या है? शायद आप लोगों को मालूम नहीं, 10,000 रुपए मिलने के अलावा मुझे रहने के लिए शानदार बंगला, कार, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। आप ही बताइए भैया, क्या मैं इतना बड़ा मौका गवा दूं? देख रवि, बचपन से लेकर आज तक हम लोग इसी छत के नीचे हर सुख दुख में साथ साथ रहे हैं, तो मरते दम तक क्यों नहीं रह सकते भैया? आप मुझे गलत समझ रहे हैं भैया, मैंने कहा मना किया है, लेकिन जो मेरी तकदीर बना रहे हैं उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। वो कौन होते हैं हमारे भाई को रोकने वाले? मैं उनकी इकलौती लड़की से शादी कर रहा हूं। बिल्लू, क्या सोच रहे हो? रवि को जो तुमने वचन दिया है वो अकेले तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। हाँ बिल्लू, बहू बड़े घर की बेटी है, उसके सारे ऐशो आराम का बंदोबस्त तुम्हें ही करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे चाहिए। जरा सोचो, सारी जिंदगी तुम अकेले ही लड़े हो, जीते हो, तो क्या इस बार तुम हार जाओगे? नहीं नहीं, हम नहीं हारेंगे। रवि को दिया हुआ वचन हम जरूर निभाएंगे। हम इस घर को बेच देंगे, लेकिन बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। छोटी छोटी बातों में इतना टेंशन क्यों क्रिएट करती हो तुम? प्लीज बैठ जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे रवि, ए रवि। जी भैया। अरे क्या बात है, बहू को नाराज क्या कर रहा है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात है कैसे नहीं, देख नई बहू है, घर में पहली बार आई है, उसे किस चीज की कमी है हमें बता, हम उसकी कमी पूरी कर देंगे, लेकिन तू बहू का ध्यान रख भाई। रहने दीजिए, किसी को मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बहू खाते पीते घर से आई है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। वैसे आप झूठी हमदर्दी तो ऐसे जता रहे हैं जैसे आपने अपनी बहू को महल में लाकर रख दिया हो। एक ही कमरे में टीवी, फ्रिज, डबल बेड, डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ, सारी दुनिया भर का सामान लाकर रख दिया है। आइए आइए, अंदर आकर अपनी ही आंखों से देखिए, ये कमरा नहीं कबूतर खाना लगता है, कबूतर खाना। यहाँ तो आदमी का दम घुट जाएगा, वो बिना मारे मर जाएगा। पता नहीं मेरे बाकी के 3 दिन यहाँ कैसे कटेंगे। चल,
ऐसा कब तक चलेगा अनिल? मुझ पर भरोसा रखो पिंकी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से 25 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। फैक्ट्री तो लगती ही रहेगी, पहले तुम मुझसे शादी तो कर लो। यही तो समस्या है पिंकी, तुम मेरे मम्मी पापा को नहीं जानती, वो दहेज के बहुत लालची हैं। लेकिन भैया दहेज कहाँ से देंगे? ये लड़का मुझे काफी समझदार लगता है, इसके साथ पिंकी का जीवन सुखी रहेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर जब तक इसकी फैक्ट्री शुरू नहीं हो जाती ये लड़का शादी नहीं कर सकता। इसमें परेशानी की क्या बात है, ये काम तुम्हारे करोड़पति बनने के लिए मामूली बात है। वो काफी इन्फ्लुएंशियल पहुंच वाला आदमी है, वो अनिल को किसी भी बैंक से आसानी से लोन दिलवा देगा। अरे डन 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 डन, ये तो मेरे लिए बात का खेल है। ये समझ लीजिए कि मेरा एक फोन गया और उसको बैंक से कर्जा मिल गया। चलिए भैया, आज ही शाम को चल के लड़के के माँ बाप से बात करते हैं। अजी आपसे क्या कहना और क्या सुनना, अपने घर की तो बात है, क्यों है? और नहीं तो क्या, अब साहब हम दोनों तो दहेज के सख्त विरोधी हैं। हाँ। लेकिन क्या करें, समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना पड़ता है। क्यों लल्ला की अम्मा? हाँ लल्ला के बापू। वैसे आजकल मामूली आदमी भी 20-25 तोले सोना दे ही देता है। वो तो आप दे देंगे, रहे कलर टीवी, फ्रिज, सोफा सेट वगैरह वगैरह, वो तो हर लड़की अपने साथ घर ले जाती है, वो सामान भी आप दे देंगे, क्यों लल्ला के बापू? भैया ये बुढ़ा और बुढ़िया दोनों बड़े खुसड़ लगते हैं, अब यहाँ कर देते हैं, बाद में जो कुछ भी होगा देख लेंगे। जी हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तापो विधवा। अरे कांग्रेचुलेशंस डैड, कांग्रेचुलेशंस। किस बात का कांग्रेस या लाइसेंस भाई? डैड मैंने शनि की माँ दशा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। पहले नहीं पड़ा, क्या कह रहे हो तुम? डैड मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है। खुद का बिजनेस? वो का है? ब्राउन शुगर का डैड, 10 लाख के माल के 30 लाख मिला करेंगे। 30 लाख? अरे जियो मेरे बिटवा, तेरी बात सुन के तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। अब हम सोचते हैं कि किसी कर्म कांडी की कुंवारी कन्या के साथ फौरन तोड़ा भी आना चाहिए। अरे नहीं डैड, इसकी इतनी क्या जल्दी है? अरे बहुत जल्दी है मेरे बिटवा, बहुत जल्दी है। हमारी बहुत इच्छा है कि इस वीरान घर को आबाद कर दें, एक चांद सी बहू इस घर में ले आए और उसके बाद तुम हमको दादा बनाई दो और हम अपने चरित्रवान पोते के साथ खेलते 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 भले ही स्वर्ग में चले जाएं। देखा स्वर्ग के नाम पे घंटी भी बज गई। हेलो, हम ठन ठन तिवारी बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? जरा जल्दी बोलो भाई। ऐसी भी क्या जल्दी है ठन ठन, पहले मेरी बात तू अच्छी तरह सुन ले। काहे, तू मेरे बाप के नौकर है का? तुम हो कौन? तू मेरे बाप का नौकर नहीं, मेरे बापू का हत्यारा है। इसके पहले भी मैं तुझे 2 बार टेलीफोन कर चुका हूं, ये मेरा आखिरी फोन है तुझको। आज के बाद मैं तुझे कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त मार डालूंगा। आज मैं तेरी कोई बहानेबाजी नहीं सुनने वाली। मेरा कहा मान और जल्दी आशा से शादी करके अपना घर बसा ले। खामोशी से काम नहीं चलेगा बिल्लू, इसी वक्त तू मुझे अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर नई बस्ती ले चल। तेरे सामने गोपाल पंडित से शादी की तारीख पूछे लेती हूँ, चट मंगनी पट ब्याह। इतनी जल्दी भी क्या है अम्मा, 2-4 दिन बाद चल चलेंगे, तब तक अपना ऑटो रिक्शा भी ठीक होके आ जाएगा। भैया झूठ बोल रहे हैं माँ। हाँ माँ, भैया जिस ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं वो उन्होंने कब का बेच दिया। क्या ये सच है माँ? पिंकी की शादी के दहेज में अनिल को मोटरसाइकिल देने के लिए भैया ने अपना ऑटो रिक्शा भी बेच डाला। यही नहीं माँ, इन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर मेरी शादी की थी। और हाँ, जब निशा भाभी 7 दिनों के लिए यहाँ आई थी तो टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, ये दुनिया भर की चीजें भैया अपना गांव वाला घर बेचकर लाए थे। हम लोगों को अमृत मिलाकर तूने अकेले ही अकेले जहर क्यों पिया बेटे? मैं मरने के बाद तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी, बोल क्या जवाब दूंगी? कुछ नहीं अम्मा, जो इस दुनिया में नहीं है उसे क्या जवाब देना, लेकिन जो अम्मा हमारे सामने है उसे सुखी रखना तो हमारा धर्म है ना, और बिल्लू अपने धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा।
डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारे डैडी से बात करके आती हूँ। टेक इट इजी। आ गई डॉक्टरनी जी, मेरा बेबी कैसा है? निशा कैसी है? अच्छी है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन डिलीवरी के समय निशा के पास घर की किसी बड़ी बूढ़ी का होना बहुत जरूरी है टीकम दास जी। अच्छा बड़ी बूढ़ी, आइडिया। अरे बेटा रवि, तुम्हारी माँ और मेरा संबंधन से ज्यादा समझदार लेडी तो इस कलयुग में पैदा ही नहीं हुई भाई। हाँ रवि, तुम अपनी मम्मी को ले आओ। पूरी रात हो गई आपको खौं खौं करते हुए, भगवान के लिए आप तो सो जाइए माँ जी। रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ बहू, पर रुकती ही नहीं। दो दिन बीमार क्या पड़ गई, जीना हराम कर दिया आपने। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों का जीना हराम होता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ मिल्लू के पास। हाँ हाँ, जाइए अपने लाडले बेटे के पास, वो ही तो एक आपका सगा है ना, ये तो आपके कुछ लगते ही नहीं। बहू चीखो मत, इस वक्त ये सो रहे हैं, सवेरे इनसे खूब गले मिलकर चली जाना। अरे अरे अरे, अक्कल के पीछे लाठी लेकर काय को दौड़ता है बेबी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया डैडी। अरे बाबा, मेरे को समझने की कोशिश करो नी। अरे आज के जमाने में 1500 की नौकरानी भले ही मिल जाए मगर कोई नौकरानी उतना काम नहीं करेगी जितना अकेली ये कमबख्त बुढ़िया करती है। ये तो सही है डैडी। अरे फिर तेरे बच्चे का गुमुद भी कितना प्यार से उठाते वो। तो कौन सी मेहरबानी करती है, ये तो हर एक दादी करती है। अरे बाबा, अरे बाबा, लेकिन अगर कहीं वो ये बंगला छोड़कर उस मकान में चली गई साईं, तो फिर मैं उस मकान को बेचूंगा कैसे। लेकिन डैडी, आप उस मकान को बेचना क्यों चाहते हैं? अरे बाबा, वो इसलिए क्योंकि वो कमबख्त साला बिल्लू चोर उस मकान का ऊपर ऐसा कब्जा करके बैठा है जैसा वो मकान उसके बाप दादा को दहेज में मिला होगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी। अभी अक्कल का बात किया ना बेबी। अरे बाबा, वो प्रॉपर्टी 2 लाख से कम का क्या होवे? क्या कहा? इस घर को बेचोगे? इसमें बुराई क्या है, इस मकान के तो 2.5-3 लाख आराम से मिल जाएंगे, जिससे आपके छोटे भाई की मुसीबत भी दूर हो जाएगी। नहीं रवि, नहीं निशा, ऐसा मत करो, पुरखों की अमानत का सौदा मत करो। ये घर तो हमारे सुख दुख की आखिरी निशानी है बहू, ऐसा मत करो। नहीं भैया, मेरा मतलब। ये मतलब क्या लगा रखा है? देखो, इस वक्त हमें सिर्फ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे भैया अकेले आदमी है, वे कहीं भी रह सकते हैं। अरे वाह 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 वाह, मेरे प्यारे इकलौते मुन्ने राजा का फोटो निकालता है। अरे तू 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 फोटो खिंचाओ, हाँ मजा ले ओ। अरे बेबी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उस मकान का चाबी लाया के नहीं? हाँ डैडी, मैं लेकर आई हूँ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अभी उस मकान को मैं 1-2 लाख में फौरन बेच डालता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर डैडी, हाँ, अगर चाबी हमारे हाथ में है तो फिर मकान बेचने की जल्दी क्या है? बेबी है, अरे तुम समझता क्यों नहीं, जैसा साली लाइफ का कोई भरोसा नहीं वैसा साला गरीब लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। अरे बेबी, वैसा ही तुम्हारा हस्बैंड रवि है, उसका भी कोई भरोसा नहीं, और ऊपर से साला वो एक नंबर का उल्लू है उल्लू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी। तभी तो बेबी, मैंने ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, टोटल बैंक बैलेंस, पाई पाई का हिसाब, ये सब तेरे नाम कर दिया है। मैं जानती हूँ डैडी। देखो बेबी, अरे आज तो मैं जिंदा हूँ, कहीं गलती से कल सुबह मॉर्निंग में मैं लुढ़क जाऊँ तो तेरा ये हस्बैंड तेरे को 100% धोखा देकर तेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर अपने उस फटीचर भाई के पास जरूर भाग जाएगा। ये चाबी मेरी है और मेरे पास रहेगी। अरे भले चाबी मेरे पास रहे के तुम्हारे पास रहे, बात तो एक ही है। नहीं, नहीं मिस्टर टिकम दास मीर चंदानी, नहीं, चाबी का मेरे पास रहना और आपके पास रहना एक ही बात नहीं हो सकती। अरे वो कैसा साई? क्या आपके इस बंगले की चाबी मेरे पास है? क्या आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मिल, फैक्ट्री, कारखाने मेरे नाम पर है? और यहाँ तक कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी ये बेटी मेरे नाम पर है। अरे ये तुम कैसा उल्टा बात करता है साईं? उल्टी नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ मिस्टर टिकम दास मीर चंदानी। मैं इस औरत का शोहर नहीं, जर खरीद गुलाम था, रखेल था, ठीक था। डोंट शाउट। हाँ तो मिस्टर टिकम दास मीर चंदानी, सारी जिंदगी तुमने अपनी बेटी को यह तो सिखाया कि पति देवता नहीं होता, लेकिन अब मैं भी इसे ये जरूर सिखलाऊंगा कि पति गुलाम भी नहीं होता। शाबाश रवि, शाबाश। आज पहली बार तूने मर्दों वाली बात की है,
आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ साले कि तू मेरा साला है। अरे साला वाला छोड़ो, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर है क्या? तुम भी होश में आकर बात करो। डैडी, होश में तो आप आइए डैडी। और खबरदार, हम पति पत्नी के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप जिम्मेदार है मेरी इस हालत के लिए। आपकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैंने अपने घर गृहस्थी में आग लगा ली। अरे बस अब और कुछ मत कहिए, चुप हो जाइए। रवि मुझे माफ कर दो रवि, और बेटा मुझे दे दो। बेटा दे दूं? तुझे माफ कर दूं? तेरी जैसी औरत को माफ कर दूं? मगर क्यों? क्या तूने मेरी बहन भैरवी को माफ किया था? क्या तूने मेरी माँ को माफ किया था? क्या तूने मेरे बेगुना भाई को माफ किया था? जो मैं तुझे माफ कर दूं, मैं तेरी जैसी औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। रवि, रवि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ करने दो मुझे, मैं चले जाऊंगा। मेरे बेटे को मुझसे माफ करो। रवि, रवि प्लीज, मेरे को हट जाओ। मुझे रवि, पागल हो गए हो क्या? हां पागल हो गया हूं, इस औरत ने मुझे पागल बना दिया। क्या हो रहा है? नहीं, मुझे मैं आज तक सता रहा हूं। रवि, क्या हो रहा है? मम्मी देखिए ना, ये मेरा मुन्ना मुझसे छीन रहा है। मम्मी प्लीज, एक माँ को उसकी संतान से अलग मत कर बेटे। औलाद से बिछड़ कर माँ कैसे तड़पती है, इसका अनुभव मुझे है। ला भैया, थोड़ा शैतान का जल तो मुंह को लगा ही ले। तेरी मौत का दिन तुझे बहुत बहुत मुबारक हो ठंड। क्रोध पाप का जड़ है बिटवा, शांति परम शांति। कौन हो मोरे लाल? मैं तेरा काल हूँ ठंड ठंड। यहाँ आने से पहले मैंने फोन पे तुझे आखिरी बार चेतावनी भी दी थी। अच्छा, तो ये वही माई का लाल है जो रोज रोज हमको फोन पे वार्निंग देता था? तुम ही हो वो है? हाँ ठन ठन, मैं वही हूँ। तो तोहरे जैसे सुरमा हिया जिंदा तो बहुत आए, मगर लौट के कोनो वापस नहीं गया हिया से। तो फिर फैसला अभी होगा, इसी वक्त। अब बच के खा जाएगा ठन ठन। सांस अटक रही है, छोड़ दे बिटवा, नहीं तो हम सचमुच के स्वर्गवास हो जाएंगे। बंद करिए ड्रामा रिक्शा वाले। अरे आवा बिटवा, बैग को छोड़ दे, वरना तेरी इस खूबसूरत बहन की खोपड़ी का कीमा बना दूंगा। देखता क्या है बे? छोड़। पकड़ा इसका। जब तूने मेरे बापू को उनका जन्मदिन नहीं मनाने दिया था, तो मैं तुझे तेरा जन्मदिन कैसे मनाने दूंगा? आज तू अपना जन्मदिन नहीं, अपना मरण दिन मनाएगा। देख ठन ठन, ये वही चाकू है जिससे तूने 18 साल पहले मेरे बापू की हत्या की थी, और इसे तू मौका वारदात पे छोड़ के भाग गया था। यही तेरी जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी भूल थी। आहा।